सिर्फ एक एग्जाम होगा नेट का एग्ज़ाम और उस नेट के एग्जाम से ही आपका तीनों यानी तीन, तीन निशाने आप यहाँ पर साध सकते हो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि बात करते हैं यू और यू मैंने पहले भी कहा था कि हर दो साल में अपने नियम में कुछ संशोधन करती रहती है बदलाव करती रहती है तो ऐसा ही हमने अभी देखा है कि 27 मार्च को जो यूजीसी ने जो अपना नोटिस जारी किया है तो उस नोटिस में इस नेट एग्जाम से रिलेटेड क्या बदलाव किए हैं यहाँ पर पूरे विस्तृत रूप से हम देख लेते हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखिए सत्ताईस मार्च का ये नोटिफिकेशन है मोटे तौर पर हम ये बात करें कि अब जो ये नेट का एग्जाम होता था जून वाला और दिसंबर वाला तो उसमें अब क्या हो गया है कि उस नेट के एग्जाम से ही अब जितनी भी स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए एडमिशन लिए जाते थे तो उसके लिए अब ये नेट का जो एग्ज़ाम है उस एग्जाम के थ्रू ही वहाँ पर उनका एडमिशन हो जाएगा जो स्कोर इस, कार्ड आता है उस स्कोर कार्ड में जो आपका कट ऑफ रहेगा क्योंकि तीन कैटेगरी यहाँ पर करी है उसमें हम अभी विस्तृत रूप से देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर एडमिशन पी में हो जाएगा बात करते हैं हम देखें देखिए यहाँ पर कि बताया गया है कि कई जो यूनिवर्सिटी है वो अपना जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट लेती है तो यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस नई एजुकेशन पॉलिसी दो हज़ार जो बीस की थी उसको लागू करते हुए कुछ बदलाव किया गया है और बदलाव क्या है वो देख लेते हैं कि एक आपका जो ये नेट का एग्ज़ाम हो रहा है उस नेट के एग्ज़ाम में तीन कैटेगरी यहाँ पर अब यू ने कर दी है ये आपकी जो तेरह मार्च को पाँच जो मीटिंग हुई थी एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अब आपके जो जून दो हज़ार चौबीस वाला एग्जाम होने जा रहा है वहाँ पर आपको तीन कैटेगरी देखने को मिलने वाली है फर्स्ट में एलिजिबल फॉर एडमिशन पी एच डी विद जे आर एफ और साथ में अपॉइंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेकेंड की हम कैटेगरी की बात करें तो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पी एच डी विदाउट जे आर एफ और दूसरा है इसमें अपॉइंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर तीसरी वाली जो कैटेगरी रखी गई है वो है एलिजिबल फॉर एडमिशन पी एच डी प्रोग्राम ओनली एंड नोट फॉर द अवार्ड ऑफ जे आर एफ अपॉइंट एजिस्टेंट प्रोफेसर यानी थर्ड वाली में आपको सिर्फ पी एच डी के लिए यहाँ पर बताया कि एडमिशन मिलेगा आप यहाँ पर ना तो जे आर एफ और ना ही ए पी के लिए क्वालिफाई हो पाओगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कई बच्चे अब ये कहेंगे कि ये वाली जो कैटेगरी है इससे आपको यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ एडमिशन हो रहा है पीएचडी के यहाँ पर तीन कैटेगरी करिए यानी आपका एक एग्ज़ाम जो यूजीसी जी कराती है तो उसमें आपका जो स्कोर बनेगा उस स्कोर के आधार पर जिन बच्चों के जो मिनिमम यानी हम जो एक कट ऑफ आएगा उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो सबसे कम मार्क्स जो होंगे वो मार्क्स वाले सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं पी प्रोग्राम के लिए ये आपके लिए जो होने जा रहा है ये 24-25 का जो सेशन है उस सेशन के लिए यहाँ पर यूजीसी नेट आपसे इस नेट एग्जाम के थ्रू आपसे यहाँ पर पी में एडमिशन ले लेगी यानी अब और विस्तृत रूप से देख लीजिए कि आपको इस तरीके से यहाँ पर एक कैटेगरी कर दी गई है कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पर देख लीजिए कि जे जो बच्चे फ्रेशर हैं और तीनों ही के लिए एलिजिबल होंगे या करना चाहते हैं जे भी करना चाहते हैं ए के लिए भी क्वालिफाई होना चाहते हैं साथ में पी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो तीनों में ही यश यह यहाँ पर हो जाएंगे कैटेगरी जो सेकेंड है सेकेंड में आप देख लीजिए कि जे नहीं है नो और असिस्टेंट प्रोफेसर में यस है और पी के लिए यस है तो उनको जे नहीं मिलेगा और ए और पी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है थर्ड वाली जो कंडीशन है कैटेगरी यहाँ पर की गई है उसमें सिर्फ आप पी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर टिक कर सकते हो आगे देख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट्स होगा वो डिक्लेयर परसेंटाइल और आपका यहाँ पर जो मार्क्स है वो मार्क्स पर आपको शो किए जाएंगे ताकि कैटेगरी की जा सके कट ऑफ जब आएगा तो आप अपन को देख जो आपने फ़िल किया है जिसके लिए यानी जे के लिए किया है या ए के लिए किया है या फिर आपने तीनों के लिए किया है तो आप अपना कट ऑफ के अनुसार वहाँ पर देख सकते हैं आगे हम बात करें कि जो बच्चे जे के लिए क्वालिफाई होंगे उनके लिए तो बताया गया है कि सिर्फ इंटरव्यू वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा और उनका एडमिशन पी के लिए हो जाएगा साथ में आप देख लीजिए कि जिन बच्चे यानी कैटेगरी नंबर जो दो के और तीन के हैं यहाँ पर तो उसमें हम ये देखें कि सत्तर परसेंट जो वेटेज है वो उनके स्कोर का होगा जो नेट में जो उनका स्कोर होगा उसका सेवेंटी परसेंट वहाँ पर लिया जाएगा और थर्टी परसेंट जो वेटेज है वो उनका इंटरव्यू जब वो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर जो वाइवा होगा इंटरव्यू होगा वो थर्टी परसेंट वहाँ पर वेटेज उनका होगा अब देखिए थर्ड वाली में कि द मार्क्स ऑफटेन इन द नेट कैंडिडेट इन कैटेगरी टू एंड थ्री विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर फॉर एडमिशन पी यानी आपने जो थर्ड कैटेगरी जो चूज की थी और पी के लिए जो एडमिशन लेना है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साल के अंदर अंदर ही किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पी में एनरोल्ड होना पड़ेगा अदरवाइज़ आपका वो स्कोर कार्ड उस टाइम पीरियड के बाद एक साल के बाद अनवैलिड हो जाएगा फिर आपको दोबारा यहाँ पर पी का टेस्ट देना पड़ेगा तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये एक अच्छी न्यूज भी है क्योंकि आप देखिए कि पी के लिए हर यूनिवर्सिटी पूरे देश में हम बात करें तो अपने अपने स्तर पर जो टेस्ट कराती थी जिसे हम रेट कहते हैं लेकिन उसमें क्या होता था कि एक ही कैंडिडेट है अगर उसका एक यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो वो दूसरे में एग्जाम देता यानी कई एग्ज़ाम स्टूडेंट को वहाँ पर देने पड़ जाते थे और उसके साथ जो यूनिवर्सिटी की एक जो फ़ीस होती थी जो हमने मैंने कई वीडियो में चर्चा भी की है कि यूनिवर्सिटी आपसे पी एच जो रेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ कई आपसे देखिए दो हज़ार तीन हज़ार रुपये भी वहाँ पर आपसे लिए जाते थे फीस के रूप में तो वो सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है सिर्फ एक एग्ज़ाम एक होगा नेट का एग्ज़ाम और उस नेट के एग्जाम से ही आपका तीनों यानी तीन निशाने आप यहाँ पर साध सकते हो तो फ्रेंड अच्छी न्यूज है इस नेट के एग्ज़ाम के लिए आप अभी से ही जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो स्टार्ट कर दें एक ही तीर से तीन निशाने यहाँ पर साधने जा रहे हैं साथ ही फ्रेंड्स इतना ये कहना है कि जो हम बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि सिलेबस चेंज होगा तो वो अभी तक यू ने ऐसा कुछ उस नहीं दिया है जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पर जून वाले अटेंड में देखने को मिलने जा रहा है अब आप थोड़ा ये देख लीजिए कि जो लास्ट वाला दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था उस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस यूजीसी ने आपसे पूछे थे तो वहाँ पर जाकर आप अपनी जो आपका रिसर्च वाला पेपर होता है रिसर्च एप्टीट्यूड का वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथ में आपका जो मेन सब्जेक्ट है ही सही तो कुल मिला के एक अच्छा सा आपके लिए यहाँ पर यू ने कर दिया है तो कन्फ्यूजन नहीं होना बाकी जो विस्तृत रूप से हम बात करेंगे डिटेल में तो यहाँ पर यू जी सी कुछ ही दिनों में आपको पूरा इनका जो नोटिफिकेशन है बुलेटिन है वो जारी कर देगी तो आप सभी के लिए जो जून की देना चाह रहे हैं टेस्ट उनको सभी को बताइए आप बिल्कुल अपनी तैयारी पर रहे हैं थैंक यू फ्रेंड्स